क्या दुनिया आग के गोले में बदलने जा रही है? क्या दुनिया के सारे देश आपस में लड़ मरेंगे? रूस यूक्रेन इजराइल हमास जंग की आग अब भड़काएगा ये देश? दुनिया के सनकी तानाशाह के हाथ लगा सबसे खतरनाक हथियार, अब किसी भी दिन छिड़ सकता है तीसरा वर्ल्ड वॉर। 2 साल से लगातार दुनिया रूस और यूक्रेन की जंग देख रही है, जिसके रुकने के आसार नहीं नजर आते। 6 महीने से इजराइल और हमास की जंग देख रही है, जिसके अरब देशों में भड़कने की गारंटी नजर आती है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। हूतियों के हमले से लाल सागर दहलता जा रहा है। इस सब के बीच उत्तर कोरिया एक खतरनाक जंग के दरवाजे पर खड़ा ललकार रहा है। उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग ने दुनिया को गहरी चिंता में ढकेल दिया है। किम जोंग ने वो हथियार हासिल कर लिया है, जिसकी जद में अमेरिकी शहर भी आ चुके हैं। दरअसल कोरिया ने सॉलिड फ्यूल से संचालित मीडियम रेंज की एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है, और इस परीक्षण ने अमेरिका और साउथ कोरिया में हड़कंप मचा दिया है। उत्तर कोरिया ने तानाशाह किम जोंग की निगरानी में ह्वासोंग 16B मिसाइल का टेस्ट किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल के कामयाब टेस्ट के बाद अब न सिर्फ कोरियाई प्रायद्वीप बल्कि समूचे विश्व में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि दुनिया ये जानती है कि किम जोंग की सनक किसी भी हद तक जा सकती है। इस मिसाइल के कामयाब टेस्ट के बाद किम जोंग ने कहा कि ये मिसाइल दुश्मनों को खून के आंसू रुला देगी। इस हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट के बारे में दुनिया को जब पता चला, जब दक्षिण कोरिया और जापानी मिलिट्री ने उत्तर कोरिया की मिसाइल लॉन्चिंग साइट को डिटेक्ट किया। ये मिसाइल उत्तर कोरिया की राजधानी के पास किसी अनजान जगह से लॉन्च की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ह्वासोंग 16B मिसाइल दुनिया की सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल है। किम जोंग उन ने इस मौके पर दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि मिसाइल का परीक्षण सफल रहा है। अब हमारे पास सॉलिड फ्यूल परमाणु हथियार से लोडेड हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। हमारे पास सभी रेंज की मिसाइलें मौजूद हैं, जो एशिया और अमेरिका में मौजूद हमारे दुश्मनों को आसानी से निशाना बना सकते हैं। परीक्षण के दौरान मिसाइल साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज उड़ी। जापान और दक्षिण कोरिया ने भी कहा कि इस मिसाइल ने 600 किलोमीटर उड़ान भरी। पिछले साल ही उत्तर कोरिया ने सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। तब किम जोंग उन ने दावा किया था कि इस मिसाइल से वह अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बना सकते हैं। पिछले 5 साल में देखते ही देखते उत्तर कोरिया ने अपने डिफेंस सेक्टर में मिसाइलों का बड़ा जखीरा खड़ा कर दिया है, जो कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है।